इसके बाद ये क्या बन गया? ये कोट बांध रहा है। तो गाइस ये देखिए घर में यूज़ होता है, ये ऐसे कैसे बनता है पूरा मरहला आपके सामने है। तो गाइस ये देखिए ये अभी फिलहाल फुल तैयार हो गया है। इसमें घी भी डालते हैं, घी भी डालते हैं इसमें ना, देसी घी डालते हैं गाइस। तो गाइस ये देख सकते हैं अभी गुड़ बन रहा है, कैसे गुड़ बनता है ये देखें आप। वही साहब जो गन्ने का जो चूरा होता है ना वो लेके आते हैं और फिर यहाँ से आ गया मशीन, आप देख सकते हैं ये गन्ने को पीसती है एकदम, फिर रस निकलता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपको भाई फिर से एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो गया। और आज का ब्लॉग बनने वाला गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे गन्ने का रस निकलता है, कैसे गन्ने का रस निकलता है और कैसे गुड़ बनता है ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, बने रहे स्टूडियो के साथ। तो गाइस ये भाई मेरे साथ आए हुए हैं और ये यहाँ पर ड्रॉप करते हैं और कैसे गन्ने का रस निकलता है। तो भाई आप मुझे बताएं कि पहले मरहले में क्या होता है और गन्ना कहाँ से आता है? यहाँ से गन्ना उठाते हैं, बिना इधर से उठाते इधर रखते हैं। अच्छा इधर गन्ना कहाँ से डालते हैं? उधर से, ये गन्ना इधर से डालते हैं, इधर से रास्ते जाते हैं। अच्छा इधर से फिर उठाता हूँ फिर इसमें डालता हूँ इधर से, ठीक है इधर से यहाँ से रस आता है। हाँ यहाँ से ये ड्रम में आता है। अच्छा इस ड्रम में आता है फिर इधर से फिर इधर डाल, इधर डाल देते हैं हम, इधर से फिर उधर उधर साइड पर, उधर जब भी पक जाएगा फिर उस गंड में डालते हैं। ये अभी क्या हो रहा है, ये पक रहा है? ये पक रहा है। अच्छा अभी कच्चा है, थोड़ा साइड पर। ये खड्डे क्यों लगाए हुए हैं? ये कचरा निकालने के, कचरा निकालने के। तो गाइस ये देख सकते हैं बाबा एक लगा हुआ है ये आग जलाने पर, ये इसको क्या बोलते हैं? ये बाबा आग जला रहे हैं, दलाई दलाई करते हैं, क्या कहते हैं? दलाई कर रहे हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप बाबा लगा हुआ है, ये इसका काम है सिर्फ आग में आग जलाना। ये देखें आग जलाएगा और ये क्या बन रहा है? ये पत्त गुड़ बन रहा है, पत्त बन रहा है, इसको पत्त बोलते हैं। और आपको दिखाते हैं गुड़ कैसे बनता है। इसके बाद गाइस हम आ जाते हैं, इसके बाद ये क्या बन गया? ये गुड़ बन रहा है। तो गाइस ये देखें अभी फुल गुड़ बन गया है, इसको सुखाने के लिए यहाँ पर रखते हैं और ये सूख गया अभी फिलहाल। तो अभी ये देखें और ये क्या बन रहा है? ये पेशे उतर रहे। तो गाइस ये देखें पेशे उतर रही है जो हमारे घर में यूज़ होता है, ये ऐसे कैसे बनता है पूरा मरहला आपके सामने। तो गाइस ये देख सकते हैं अभी गुड़ बन रहा है, कैसे गुड़ बनता है ये देखें आप। तो गाइस आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा कड़ा है यहाँ पर और यहाँ पर ये पत बन रही है गुड़ की, जो गुड़ का रस होता है वो उधर से आता है, वो सामने डिग्गी लगी हुई है वो चलता है और यहाँ पर नीचे जो ड्रम पड़ा हुआ है ये मेरे हाथ से नज़र आ रहा होगा आपको, ये ड्रम है, इस ड्रम में रस आता है फिर वहाँ से ये टेन उठा उठा के इसमें डालते हैं और इसमें से वो निकलता है फिर यहाँ पर आता है गाइस, ये देख सकते हैं आप। और फिर ये अभी बन रहा है, पत बन रही है और पत से जब ये ठंडा हो जाता है फिर इसमें डालते हैं, जब इसमें डालते हैं तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं और ये अभी देख सकते हैं कि गुड़ बना रहे हैं, कैसे गुड़ बनाते हैं। और ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर गाइस हमारे लिए बन जाता है, खाने के लिए बन जाता है। अभी ये गर्म है और ये नरम भी है इसलिए ये इसकी पेशियां बन रही हैं। तो गाइस अभी मैं गुड़ ट्राई करने वाला हूँ, गुड़ कैसा होता है और गर्म गुड़ है कहते हैं, गुड़ गर्म खाने से बहुत अच्छा होता है। तो
गाइस ट्राई करते हैं। बहुत गर्म भी है और गर्म है, बाद में जब हमारे घर पे आता है ये सख्त हो जाता है, लेकिन गर्म खाने में ये है कि ये बहुत अच्छा है और इस टाइम नरम भी है। गाइस ये मशीन आप देख सकते हैं, ये गन्ने को पीसती है एकदम, फिर रस निकलता है। तो गाइस ये ना ये देख सकते हैं ये मशीन आप किस तरह की, ये डिगडिगी से चलती है, ये देखिए जनरेटर लगा हुआ है और जनरेटर चलता है ये डीजल से। जैसे ही ये डीजल से चलने पड़ जाता है और फिर गाइस यहाँ पर ये लगा हुआ है एक, मतलब है कि गन्ने पीसने वाला जो रस निकलता है, यहाँ से रस निकल के फिर वहाँ पर जाता है। आपको पहले आपकी वीडियो में दिखा चुके हैं, तो गाइस आप मशीन देख सकते हैं किस तरह की। तो गाइस ये देखें ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, ये मैल निकल रहा है। तो गाइस आप मैल देख सकते हैं, ये मैल काम का होता है, भैंस को डाल दो, ये सुखाना पड़ता है ऐसे, ये गीला गीला। तो गाइस ये देखते हैं ये यहाँ पर मैल निकल रहा है, ये मैल निकल रहा है और ये ना भैंस को डालते हैं। ये नहीं नहीं आप सेल करते हैं, इसको बेचते हैं, अच्छा ऐसे ही दे जो आते दे देते हैं। तो गाइस ये देखते हैं ये जो है ना ये मैल जो बना होता है, जो कोई भी आता है तो वो दे देते हैं इसको, गाय और भैंस बहुत अच्छे से खाते हैं। और ये जो है वो पत बना हुआ पूरा ये देख सकते हैं, और फिर ये पत इसमें डालेंगे। ये देखो उबल रहा है, आपको उबलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, ये भाई साहब मैल निकाल रहे हैं, ये गुड़ बन रहा है, ये अभी तैयार हो गया है। तैयार होकर गाइस वो फिर उसमें डालेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, पेशे बन रही है। और ये भाई साहब जो गन्ने का जो चूरा होता है ना वो लेके आते हैं और फिर यहाँ से आग जलाते हैं। ये देखें अभी वो लगा हुआ है अंकल, ये देखें आप, गाइस ये देखें अभी गुड़ यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है और फिर यहाँ से सेल होता है। और यहाँ पर तीन चार किस्म के गुड़ की वैरायटियाँ पड़ी हुई हैं और आपको बताते हैं कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ पर। और ये है ना जो रस लगा हुआ है, तो ये देखिए। तो गाइस ये देख सकते हैं ये मेवे वाला है, और मेवे वाले का क्या रेट है, 350, मेवे वाले का 350 है, और शक्कर का 200, शक्कर का 200 और इसका 180, जो सादा है वो 180 है गाइस। तो आपको दिखाते हैं गाइस, ये देख सकते हैं ये शक्कर और ये मेवा। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा कि कितनी मेहनत से गुड़ बनता है और फिर घरों में आता है, तो गाइस इतनी मेहनत ही मेरी वीडियो में लगी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।